मोहित भाई यहाँ पे नहीं देखे वो तो भैया मोहित भाई यहाँ पे सर नाराज लग रहे हैं यहाँ पे सर यहाँ पे मोहित भाई यहाँ पे मैम यहाँ पे मोहित भाई मैम नीचे नीचे मोहित भाई मोहित भाई यहाँ पे मोहित भाई थोड़ा सा थोड़ा मोहित भाई लगता नाराज है हमसे आप देखिए क्या मोहित भाई इधर देख लो नहीं तो बोलते रहेगा फोन उठा मेरा नहीं मोहित भाई एक सेकंड मोहित भाई ए प्रभात ये लो ये तो काफी खुशी हुई आपको खतरों के खिलाड़ी में देखते हुए जिस तरह से आप खेल रहे हो काफी अमेजिंग गेम लग रहा है आपका क्या कुछ कहना चाहोगे गेम का तो पता नहीं है स्टंट्स करना मेरा काम था मैंने स्टंट्स किए हैं अच्छे से अपनी पूरी शिद्दत से जान लगा के अब देखो पता लगेगा आप सबको क्या होता है कितनी डिफिकल्टी फेस हुई जैसे हम देख रहे थे हाल ही में एक पीक स्टंट था काफी डिफिकल्ट था हां स्टंट्स आसान नहीं होते यार लाइक पहले देख के मुझे भी लगता था कि यार ये तो मैं कर लूंगा लेकिन जब करने की नौबत आती है तब पता लगता है बहुत डिफिकल्ट स्टंट्स होते हैं आसान नहीं है मैम आप क्या कहना चाहोगे सर ने ये डिसीजन लिया खतरों के लड़ी काफी पिछले तीन सालों से करने नहीं दिया था इस साल मुझे लगा कितने साल मना करूंगी तो मैंने कहा चलो करने दो बट बहुत टफ था मेरे लिए वेरी टफ बिकॉज स्टंट जब शुरू होता था मोहित का तो मुझे कॉल करते थे और मैं तीन दिन तक प्रे करती थी कि सब ठीक ठाक होए आपको पता नहीं होता आप कितने निडर हो आपको पता नहीं होता आपके डर क्या हैं और वहाँ जाके पता लगता है कि आपको डर किस चीज़ से लगता है तो हाँ ग्रोथ तो होती है जब आप अपने डर पे काबू पाते हो बिल्कुल डर बिल्कुल जीत होती है वो रोहित सर के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे हमने देखा काफ़ी रील्स आपने शेयर भी की वहाँ से साउथ अफ्रीका से रोहित सर के साथ काम करने में किस तरह का एक्सपीरियंस बहुत बहुत सही मज़ा आया यार इज अ जेम ऑफ अ पर्सन बहुत अच्छे होस्ट हैं बहुत अच्छे इंसान हैं और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है अप्रोचेबल है बहुत ज़्यादा हाँ वहाँ पे कुल्फी बहुत फेमस है साउथ अफ्रीका में लोग कुल्फी बहुत देखते थे तो वो अच्छा लगा देख के बहुत अच्छी ऐसी इंडिया वाली फीलिंग आई कितने महीने का होता है बिग बॉस तीन महीने छह महीने मुझे भी जाना पड़ेगा अंदर पे नहीं यार नो पता नहीं यार अभी कुछ कह नहीं सकता मुझे यार साइबर वार सीजन टू और एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं सोनी लिव शूटिंग शुरू होने वाली मैम व्हाट अबाउट यू वेयर वी आर गोइंग वो देखिए ये देखिए पैन कीजिए कैमरा वहाँ पे पैन कीजिए कैमरा मैं अभी फिलहाल ये कर रही हूँ लेकिन ऑफ कोर्स एक्टिंग भी मेरा प्यार है तो करूँगी कुछ ना कुछ करूँगी बट फिलहाल अभी ये लॉन्च किया है और कुछ एक दो लॉन्चेस है इस साल तो अभी फिलहाल मेरा फोकस रेस्टोरेंट काफी हमने देखा कनिका जी से भी आपने रील शेयर की सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ आपकी हुई वहाँ पे साउथ अफ्रीका सबसे अच्छी बॉन्डिंग आई थिंक यार अपने साथ ही हुई लेकिन हाँ कनिका के साथ बॉन्डिंग हुई कनिका के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हुई स्वीति को तो मैं पहले से जानता था शिवानी को मैं पहले से जानता था तुषार से अच्छी बॉन्डिंग हुई और सबसे ही सबको मैं पहले से जानता था इनफैक्ट राजीव से अच्छी बॉन्डिंग हुई फैजू से हुई कॉम्पिटिशन वाइज सबसे टफ कंटेंडर कौन लगा सबसे टफ कंटेंडर तुषार टफ है फैजू टफ है और जन्नत बहुत सरप्राइज पैकेज है आप लोग देखिएगा जन्नत है और स्ट्रॉन्ग कनिका भी स्ट्रॉन्ग है ये सारे रुबीना बहुत स्ट्रॉन्ग है अरे यहाँ पे लाइट बहुत आ रहा है लाइट कम ए सदा प्यार ए पावर कम करो ना यार पावर कम कम करो अरे मैं उधर ही आ रहा हूँ ये नीचे
कैसे हैं सब? आपका शो कनिका जी यहाँ देखना ही नहीं पता चलेगा, बहुत मस्ती। जी नीचे देखा रे। शार्क टास्क कैसे थे आपके? इधर आ, मानी। अरे इधर से जरा नीचे से। अरे अरे निकाल। हेलो क्या कर रहे हैं यार? अरे क्या कर रहे हैं यार? जो एक्सपीरियंस हमने वहाँ पर लिया वो डेफिनेटली कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। सो आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस किया मैंने। मैंने सोचा नहीं था, मुझे था मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊँगी, आप सबसे वापस बहुत जल्दी मिलूंगी, बट काफ़ी टाइम, लंबा टाइम हम लोग रहे वहाँ पर। इट वॉज रियली। क्या कुछ कहना चाहोगे? ऑस्ट्रिच के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है वो, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने ऑस्ट्रिच को टेम करना सीख लिया है। देखा हमने रूबीना जी के साथ कुछ, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन किस तरह की देखा हमने इंटरव्यू करेंगे? चलो हमने देखा काफी इंजरीज हुई काफी देखा, रील्स भी वायरल हुई, आपको इंजरी भी हुई ड्यूरिंग द शूट, उसके बारे में क्या? मारते पीटते थे भाई ये लोग। इंजरीज तो होंगी, खतरों के खिलाड़ी है, खतरों को फेस करने गए थे तो इंजरीज तो थोड़ी मोटी तो बनती है। और क्या कहना चाहोगे? एक रील्स आपने शेयर की अपने सोशल मीडिया पे, काफी वायरल हुई आप दोनों की, फैंस को रील बनाए तो गए थे वहाँ पे। क्या लगता है सबसे टफ कंटेस्टेंट कौन लगा आपको? खड़े हैं यहाँ पर, उन्होंने भी आपका नाम लिया था। क्या? अरे बाप रे, अपनी जोड़ी हिट है। मुझे अभी देखते हैं, पहले पूरा खतरों के खिलाड़ी देखिए, एंजॉय कीजिए फिर। और किससे सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपकी हुई? मोहित जी से, तभी मैं यहाँ पर पहुँची, पहली मीटिंग में ही। ए भाई, ये हाँ मेरा सवाल था, ज्यादा बॉन्डिंग मारेंगे मुझे पकड़ के। ओके थैंक यू, थैंक यू। अरे तो तुम उधर खड़े रहने का ना यार। अंजलि, अंजलि मैम पीछे, मैम पीछे पीछे आ जाइए, ये चलेगा। अरे पीछे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अनारी निशु, क्या हुआ भाई? निशु भाई तीन दो बात भाई, रूप आ गया भाई। तीन पाँच अनारी इधर आओ, भाई आप जा रहे हो भाई, नाराज हो लगता है हम लोग से, आप जा रहे हो बात के। प्रज्ञा जी नीचे आइए ना, नहीं दिख रहे प्रज्ञा। मैम स्पेशल डिमांड है प्रज्ञा, क्या चाहिए पूछो। भाई भाई पूछो नीशु, बुमला ए बुमला, ए भैया मोसर जाना, तू वापस इधर आ गया यार। अरे मेरे कैमरामैन, अरे उधर तेरा बहुत काटा है मुझे, काफी वो तो छोड़ो, आगे देखो।
थोड़ा पीछे जाओ ना, थोड़ा पीछे हो जाओ, मतलब मुंह पे थोड़ी होता है। बहुत टाइम बाद मिला है, खाना खाने उसको बहुत भूख लगी, बहुत मारे हो रहे हैं। देखो रेटिंग बात कर रही है खतरों के खिलाड़ी, बहुत देखो खतरों के खिलाड़ी बेस्ट शो है और सब लोगों ने बहुत अच्छा मचाया। मैं खुद और शो देखो राजीव का काफी अलग। अरे राजीव जान है ब्रो, अरे आपकी जान है, आप बताइए। हाय हाय हाय, फोटो वेरी गुड वेरी गुड। सर भाई करण भाई का गाना आया बारिश, बहुत अच्छा मैंने देखा गाना। तेजा और करण को मैं बोलूंगा कि बहुत बहुत अच्छा गाना है। आई लव द बारिश सॉन्ग एंड इट्स अमेजिंग। आपने कॉल किया कल करके बोला, अरे क्या बोले, अरे सब अभी तुम लोगों को इतना क्या बताना है। एक सेकंड, वो ना मेरे रेस्टोरेंट आया है इशू, यू कम टू माय रेस्टोरेंट। वो गाइस एक चीज बताऊंगा पाव जी, राइट नाउ इज अमेजिंग, तो यहां आना है तुम सबको। प्रज्ञा जी को बुला के ये सर पे कौन रखता है, पीछे ले लेना यार। गाइस तुम लोग ना अभी इधर आंखों तक लेके आओ। मोहित जी के बारे में मोहित ने मचाया है, आग लगा दिया। देखो मैं एक चीज बोलूंगा, तीन पांच जितने भी कंटेस्टेंट थे सबने मचाया है और ये शो देखो क्योंकि आई थिंक खतरों के खिलाड़ी इसके पहले ऐसे नहीं हुआ होगा। और रोहित सर जो करेंगे वो देखो क्योंकि रोहित सर पहली बार मैंने देखा बहुत इम्प्रेस थे हम सब।